गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी? आई हो बच्चों होंगे, मस्त होंगे, दिलदास होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी हो चुकी है तबीयत ख़राब। तो कई दिन से, मतलब ये मान लो करवा चौथ से अगले दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब एक दो दिन से थोड़ा सा ठीक है, मतलब इतना भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा ठीक है। बस इसलिए व्लॉग नहीं आ रहे थे, लेट हो रहा था क्योंकि ना तो उठ सकती थी ना बैठ सकती थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, नॉर्मल, मतलब इतना नहीं है, तो इसलिए मैं व्लॉग लेके आई हूँ। तो कल तो दिवाली की सफाई करी है सारी, मैं वो व्लॉग नहीं बना पाई, बता रही थी तबीयत ख़राब थी। तो अभी थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। मोस्टली सारा जो थी घर की क्लीनिंग मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा बहुत ही बचा है। वो भी ये वाली जो अलमारी है, यहाँ वाली, ये वाली बची हुई थी। इसमें भी मतलब मोस्टली मैंने सारा कर ही दिया है। थोड़ा बहुत ये मेकअप का जो है मेरा इधर, ये मुझे सामान अरेंज करना है क्योंकि जब से हुई करवा चौथ हुई थी उसके अगले दिन ही मैं बैड पकड़ लिया था, तो कुछ भी नहीं हो पाया था। तो सारे सामान मेरे, चूड़ी इयररिंग्स वगैरह उल्टे सीधे बड़े भरे पड़े हैं, तो इनको अभी सीक्वेंस में लगाऊंगी मैं अभी बैठ के, क्योंकि मैं बैठे बैठे काम ज़्यादा कर रही हूँ, झुकने वाले काम कम कर रही हूँ, क्योंकि झुकने से मेरी कमर में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। और अभी 3 4 ही दिन हुए मुझे दवाई खाए हुए, तो इतनी जल्दी मैं फटाफट वैसे काम कर भी नहीं सकती हूँ जो खड़े खड़े से काम है, बैठने वाले हैं वो मोस्टली मैं कर ही रही हूँ। तो अब मैं इनको लगा के, लास्ट प्रोसेस बचा है हमारा क्लीनिंग का, उसके बाद कल धनतेरस है। कल डेकोरेशन करना है, मतलब फूल वूल वगैरह निकालना है, डेकोरेट करना है। बेड वेड भी हमने सब खाली कर दिया अपना सब। तो ये मेरे सारे चूड़ी चूड़ा के डिब्बे हैं और ये सारी उलट पुलट हो रही है सारी, तो इनको मुझे मैनेज करके, ये दोनों तो फिलहाल ठीक है क्योंकि मैंने इनको यूज़ नहीं किया है, और ये है किसी और का, भर इसमें कुछ हो रहा है, तो इसको निकाल लेते हैं, साफ करते हैं। सबसे ज़्यादा आपका तो इस वाले डब्बे में मजे होंगे मेरे। ये मैं फालतू में लेके आई, इतने बड़े बाल नहीं थे जितना बड़ा मैं जूड़ा उठा के लाई थी, इसकी तो किसी काम की नहीं है। और ये भी खामखा इसमें पड़े हैं, मैं इसको इसमें रख देती हूँ। जरा सा झूम कुछ मेरे इयररिंग्स से जो बहुत बड़े बड़े, जो मेरा मेकअप का सामान था, और जो ये वाला मैंने जो अलमारी का बॉक्स है वो मेकअप के लिए बनाया हुआ है। तो ये फाइनली मेरा सेट हो चुका है, और इधर मेरी साड़ियाँ हैं, ये मैंने मंगाया था विग, छोटे बाल है ना मेरे, तो सोचा मम्मा, तो सोचा बड़े बाल का थोड़ा सा सपना पूरा कर लेते हैं, इसको लटका दिया। ये मैंने क्लेचर वाला, भैया यू तो आज इसे गलत ही छेड़ दिया मैंने, तो ये क्लेचर वाली है। बाकी सब फिट हो चुका है, पूरी अलमारी साफ हो चुकी है हमारी।
से डेकोरेशन के लिए पुरानी मालाएं रखी हुई थी हमारी, क्योंकि हर साल हम यही प्लास्टिक वाली लगे रखी है, तो इसको ही हर साल निकाल लेते हैं, धुल के इसको ही लगा देते हैं। गंदी नहीं होती है और बहुत ही प्यारी लगती है। और यहाँ पे जो लाइटें हैं हमने निकाल के रख दी है पहले ही, लड़ियाँ, लाइटें मतलब लड़ियाँ जो होती हैं झालर वगैरह, और ये तो बड़े वाली है और ये छोटी छोटी सी है जो सीधा टांगते हैं, तो इनको हम कल लगाएंगे धनतेरस वाले दिन, तो कल से सुबह से स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं नहीं जा सकती लगवाने, हर बार मैं हेल्प करती हूँ लेकिन इस बार नहीं कर पाऊँगी। और ये मंदिर अभी मेरा बचा हुआ है साफ़ होना, ये कल धनतेरस पे ही साफ़ होगा पूरा, क्योंकि मैं नया आसन लेके आई थी, नया आसन बिछा के इसको पूरा रेडी करूँगी। ये भी सामान सारा इकट्ठा करके रखेंगे, तो बहुत काम अभी पेंडिंग बचा है, बहुत हो भी गया है। यहाँ पे कर रही हूँ मैं मलाई, जो मैंने मक्खन करा था उसकी मलाई में कर रही हूँ। कल कुछ बना के रख देता है, बाकी बचा था वो अब करने लगा। और दूध हो चुका है हमारा गर्म, अभी अभी हुआ है, जस्ट उतार के रखा है, फिर मलाई रखी है मैंने। मैंने बनाया है आज राजमा कुछ नए स्टाइल से। फिलहाल मैंने अभी खाना खाया नहीं है, लेकिन टेस्ट करा है तो बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छे स्टाइल से। किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी, तो सब ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनता है ऐसे। हमारा खाना पीना हो चुका है फिनिश, लाइट भी चली गई, तो कोई बात नहीं, लाइट चली गई क्योंकि मेरे कपड़े थे जो मैंने वॉश कर लिए थे, और बहुत सारे कपड़े धुले हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब दिवाली की सफाई करते हैं तो बहुत सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, सोफे के कवर, ये फलाना ढिंकाना, तो ये मैंने हस्बैंड के लिए निकाल के रखे। कुर्ता उनका था ही पुराना, थोड़ा सा फटा हुआ है, इसको सिला के धुल देंगे, उनका दिवाली में पहनने का मन है। और ये जो सामान मैंने यहाँ पे रखे हैं ये वाले, ये घर ससुराल में ले जाने के लिए रखे हैं। और ये ब्लैंकेट हमने निकाल दिया है ड्राई क्लीन के लिए, क्योंकि अब ठंडी आने वाली है, जब तक ठंडी पूरी तरीके से आ जाएगी तब तक ड्राई क्लीन का नंबर आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे रखे हैं मैंने ये कपड़े, कल अलमारी लगाई थी मैंने अपने कपड़ों की, पूरी सेट करी थी, तो इनको मैं जो बचे हुए आज धुले थे, कुछ तो सूख गए, कुछ तो मैंने तह करके यहाँ रख दिए, उनको लगाऊंगी अलमारी में आराम से, क्योंकि मैं थक गई थी, फिर बैक में दर्द हो गया था। और कुछ ये सामान है जो मुझे लेके जाना है, तो इनकी मैं तह बनाऊंगी, हमने उल्टे सीधे रखे हुए हैं। और ये कुछ गीले तौलिया पड़े हैं, अभी तार पर जगह नहीं है, छत पर फैलानी चाहिए थी। और आज बिल्कुल भी धूप ऐसी निकल रही है मरी मरी सी, मतलब धूप में मज़ा नहीं आ रहा, कपड़े भी घंटों घंटों में सूख रहे हैं, जैसे बारिश का मौसम नहीं होता इस टाइप का मौसम हो रहा है। देखिए छत पे तो मैं जा नहीं सकती हूँ, यहीं से देख लो मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल धूप नहीं है, बिल्कुल हल्की सी है, कपड़े भी ढंग से नहीं सूखेंगे इसमें। और यहाँ थोड़ा हरियाली हरी भरी सी है, तो यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा दिखेंगे आपको। तो मैं आ गई हूँ रूम में मंदिर वाले, और यहाँ पे रखी है मैंने ये पर्दे, निकाले थे आज मैंने, सोचा कुछ पर्दों की चूड़ियाँ टूटी हुई थी तो सोचा ये वाले पर्दे लगा दूँ उनकी जगह, लेकिन इनकी लेंथ उनसे बहुत कम थी तो इसलिए मैं इनको नहीं लगा पाई थी, और मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था। तो अब मैं फ़िलहाल इनको तह करके वहीं पे वापस रख दूँगी जहाँ से मैं इनको काम उठा के लाई थी और अपना काम फैलाया था मैंने, तो ये वाले मैं वहीं पर रख दूँगी। अलमारी मैंने साफ़ करी थी, उसमें से निकाले थे मैंने ये। तो गाइज़ अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो पहले लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिना सब्सक्राइब के व्लॉग मत देखना, पहले सब्सक्राइब करना फिर व्लॉग देखना पूरा। तो ये हो चुकी है मेरे पर्दों की तह, और ये मेरी बहन का है जो मैं विंटर में लेके आई थी, मेरे पास नहीं था उस टाइम पर, तो मैं लेके आ गई थी लेकिन देने का मौका नहीं मिल रहा था, वैसे गए हम बहुत बार हैं पर भूल जाते थे, तो जैसे वही ना गर्मियों में गई हूँ सर्दियों में जाती हूँ, सर्दियों में याद आ गया, सफाई करी है तो सामने दिख गया, तो मैंने इसको निकाल के रख दिया, मैंने कहा इसकी तह करके रख दूँगी और फिर कभी चक्कर लगा तो लेके जाएंगे ये वहाँ पर। और ये सारा काम मैं थोड़ा सा सिंगवा देती हूँ, और इस पर बेडशीट भी बिछानी है मुझे, कल बिछाऊंगी धनतेरस वाले दिन, बाकी जो बचा हुआ काम है कल धनतेरस पे डेकोरेट करेंगे पूरा घर मालाएं वगैरह से, और झालर वगैरह लगानी है, मतलब जब पूरा टोटल काम हो जाएगा तब आपको दिखाऊंगी मैं। और वैसे तो मैं छत पे नहीं चढ़ सकती हूँ, थोड़ा मुझे रेस्ट बता रखा है अभी, तो यही दोनों मिलके लगाएंगे बाप बेटा तो मम्मी का कोई रोल नहीं है उसमें। तो ये मालाएं मैं अलग अलग करके रख देती हूँ ताकि उलझे ना, धुली थी हमने सुबह मॉर्निंग में तो धुल के साफ़ हो गई थी,
तो मैंने इनको नीचे रख दी थी, ऊपर इसलिए मैंने सुखा के नहीं, कभी बंधन के साथ खेलने लगे। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। बाय बाय।